हेलो ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड लवली सब्सक्राइबर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल जिंदगी ज़रा मुस्कुराना। बहुत समय से बैठे बैठे इस खूबसूरत आसमान को निहार रही थी। आज इसका रंग इतना खूबसूरत लग रहा था और ये बादल का टुकड़ा ना जाने कब से कई तरह की अटखेलियाँ कर रहा है। कभी ये अपना आकार बदल कर कुछ बनाता है तो कभी कुछ और। मुझे इसे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए काफ़ी समय से बैठकर यहाँ इसे देख रही थी। प्रकृति खुद ही खुद को कितनी खूबसूरत ढंग से सजाती है ना? तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ अपने एक डायंथस फ्लावर प्लांट के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे जो व्यूवर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर हिट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर कमेंट कर जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और ये देखिए डायंथस के खूबसूरत फ्लावर जो अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ मेरे टेरेस गार्डन में। भले ही यह विंटर का प्लांट है, विंटर का फ्लावर है, लेकिन ये अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है मेरे टेरेस गार्डन में। हाँ, ये बात और है कि इनकी जो संख्या है, नंबर्स है, वो कम है, लेकिन फिर भी ये लगातार कंटिन्यूसली फ्लावरिंग किए जा रहे हैं। तो गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में भी आपको डायंथस अगर इस तरह से फ्लावरिंग करते मिल जाए, जो कि विंटर का पौधा है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये देखिए कितनी अच्छी कलियाँ इसमें आ रही हैं, बड्स अभी भी बन रहे हैं और ये अगले दिन खिलने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, डायंथस का ये प्लांट मैंने विंटर से बचा के उसके बाद अभी भी सेव करके रखा है अपने गार्डन में। और इनके बीजों को भी मैंने कलेक्ट करके रखा है अगले विंटर सीज़न के लिए, जिनको मैं सीड से पौधे तैयार करूँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत कलियाँ हैं। तो इस प्लांट को मैंने सेव करके रखा है, गर्मी में मैंने इसे छायादार पेड़ के नीचे रखकर और लगातार वाटरिंग करते रहने से ये पौधा मेरा बिल्कुल सही सलामत है। वाइट कलर का ये डायंथस देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी ग्रीनरी आप देख रहे हैं, कहीं से भी ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसने गर्मी को झेला है या फिर इस बरसात के हेवी रेन को भी वो झेल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा हेवी रेनिंग अभी तक नहीं हुई है, फिर भी डायंथस के प्लांट को बहुत रेन वाटर तो सूट नहीं करता है। तो मैंने इसे इसी तरीके से सेव करके रखा है इन डायंथस के प्लांट्स को। कभी ज़रूरत के अनुसार मैं इन्हें छाए में रखती हूँ, कभी मैं सेट्स के नीचे ले जाती हूँ अगर ज़्यादा बरसात होती है तो, और हल्की धूप में दिखाती रहती हूँ। और ये देखिए ये अभी तक कितने खूबसूरत ढंग से सीड्स बना रहा है और मुझे सीड्स भी दिए जा रहा है। तो डायंथस के प्लांट जो है वो अगर आप अच्छे से सेव करके रखें तो ये आपको इस मौसम में भी फ्लावरिंग करते हुए मिल जाएंगे। ये इस मौसम में भी आपको फ्लावर्स देते रहेंगे, बस थोड़ी सी देखभाल करते रहना है आपको। और अभी इस वक्त ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है डायंथस के प्लांट को, इन्हें आप बस ऐसे ही ग्रो करने दें। वाटरिंग का ख्याल रखें, मिट्टी को सूखने मत दें और प्लांट को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रहने दें। साथ ही जब बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो तब भी आप इस प्लांट को हटा लें। फिर देखिए ये आपको इसी तरीके से गर्मी और बरसात में भी फ्लावरिंग करते हुए मिल जाएंगे और कलियां भी आती हुई आपको दिख जाएंगी। तो बड़े आसानी से आप इस मौसम में भी, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में भी डायंथस से फ्लावर्स ले सकते हैं। और डायंथस का केयर, प्रोपगेशन, इसकी देखभाल, इसको कैसे गमले में उगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इससे आप फ्लावर्स कैसे ले सकते हैं, इन सारे विषयों पर मैंने वीडियो बना के रखा है जो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि इसके बारे में एक और
वीडियो आप सबके साथ शेयर कर दूँ ताकि आने वाले मौसम में आप डायंथस को अच्छे से अपने गार्डन में ग्रो कर सके और विंटर में इसके खूब मज़े ले सके। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, अगर आप अच्छे से रखें तो प्लावन को इस तरीके से आप सेव करके रख सकते हैं आराम से, और थोड़ी सी देखभाल करके इस तरह से आप प्लांट को एंजॉय कर सकते हैं सालों भर।